हाय फ्रेंड, आज 29 दिसंबर 2019 है। आप यह करंट अफेयर्स जूरिस्ट एग्जाम पर देख रहे हैं। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 29 दिसंबर 2019 का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए कितने घरों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। केंद्रीय और शहरी मामलों के मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं हरदीप सिंह पुरी, और आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य सभी घरों में रसोई गैस पहुंच कनेक्शन के साथ देश का पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। कौन सा राज्य सभी घरों में रसोई गैस कनेक्शन के साथ देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जो सभी घरों में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला। सबसे बड़ा शहर शिमला है। राजभाषा हिंदी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा सीटें 68, राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की अब तक की जानकारी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम, जिसका पूरा नाम एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो ब्रिटिश थे, ने किया था 1885 में। तो आज़ादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस नाम से जानते थे। जो ये अपना इस बार 28 दिसंबर 2019 को 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। इनके संस्थापकों में एओ ह्यूम, थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नवरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। इस प्रेजेंट टाइम की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। ये अगस्त 2019 से बनी हैं। इसके पहले राहुल गांधी थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगस्त 2019 से सोनिया गांधी ही इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल सुरक्षा के लिए तैनात किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है अवानगार्ड, जिसे उराल्स के अन्नेबर्ग क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की गति लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। रूस के अलावा चीन और अमेरिका के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं। आप देख सकते हैं फोटो में, ये अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। या ग्लोबल मीट, इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है। तो अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में, जो राज्यपाल हैं जयराम, वो बंडारू दत्तात्रेय, सीएम हैं जयराम ठाकुर, और इसकी कैपिटल है शिमला, दूसरी कैपिटल धर्मशाला, राजभाषा हिंदी। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा सीटें 68, राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फन फोन नामक समुद्री तूफान किस देश में आया हुआ है? इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज बन गया है? इसका राइट आंसर होगा नील वैगनर। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं।
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में यह रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो ये सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे दुनिया के तेज गेंदबाज बन गए हैं नील वैगनर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने किन शहरों के बीच राजधानी ट्रेन का संचालन शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच में। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल तथा इसके अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा नासिक। यह स्टेशन महाराष्ट्र में है, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन पर पारदर्शी कांच के कक्ष में पौधे लगाए गए हैं। पौधे कक्ष में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए रखते हैं। यात्री यहाँ आकर निःशुल्क शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं तथा इन पौधों को यात्री खरीद भी सकते हैं। तो यह नासिक रोड इगतपुरी और भुसावल के बीच स्टेशन है जो महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2020 तक कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 9.9%। तो फ्रेंड, कल के वीडियो में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया है सही। तो ये क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, कालका और शिमला मार्ग के बीच चलने वाली विस्टा डोम ट्रेन का क्या नाम है? यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर सुनते हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था हिमदर्शन एक्सप्रेस, जो कालका और शिमला के बीच में विस्टा डोम ट्रेन चली है उसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड, आज का प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी इस दशक में टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बना है? इस क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, कौन सा खिलाड़ी इस दशक में टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बना है? इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। तो हाय फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड को भी यह वीडियो शेयर करें। प्रतिदिन के सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।